हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव में कई किलोमीटर लंबे जाम में फंसे लोग हुए बेहाल। कल की ही तरह आज भी उन्नाव से कानपुर की तरफ जाने वाली कई सड़कें हुई जाम। आपको बता दें, लखनऊ से कानपुर जाने वाले रूट पर शनिवार को जाटमऊ गंगा पुल पर वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया है। पुल की मरम्मत का काम 20 दिनों तक चलेगा, जिससे शनिवार को हाईवे दिन भर जाम रहा, वैसा ही आज भी देखने को मिल रहा है। बंथल से आजाद मार्ग चौराहे तरफ कई किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। भारी वाहनों को रायबरेली रूट पर मोड़ा गया तो अचलगंज सहित अन्य स्थानों पर जाम लग गया। हल्के वाहनों को शुक्लागंज बैराज मार्ग पर मोड़ा गया तो इस मार्ग पर भी लंबा जाम देखने को मिल रहा है। इस जाम को खुलवाने में उन्नाव पुलिस लगातार कड़ी मशक्कत कर रही है। जिले के एसपी आनंद कुलकर्णी और डीएम रवीन कुमार भी बैराज मार्ग पर पहुंचे और जल्द से जल्द जाम खुलवाने के निर्देश दिए। भारी वाहनों को गर्दन खेड़ा और आजाद मार्ग चौराहे से रायबरेली मार्ग पर डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन अचलगंज में सकरा रास्ता होने से वहां पर भी जाम लग जा रहा है। जैसे तैसे गाड़ियां रेंगते रेंगते अचलगंज से पास हो रही हैं। हल्के वाहनों को आजाद मार्ग चौराहे से गंगा बैराज की तरफ मोड़ा गया, लेकिन बैराज पर सबसे बड़ी समस्या क्रॉसिंग है। क्रॉसिंग के बंद होते ही मिनटों में कई किलोमीटर लंबा जाम इस रास्ते पर लग जाता है। ट्रेनों के आवागमन बढ़ने से हर 20 मिनट में सरिया रेलवे क्रॉसिंग बंद होने पर भारी जाम देखने को मिल रहा है। यातायात प्रभारी प्रदीप कुमार और थाना पुलिस के जवान जाम खुलवाने के लिए वाहनों को डाइवर्ट करने की मशक्कत करते रहे। बैराज मार्ग पर जाम खुलवाने में गंगा घाट कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह पूरी टीम के साथ पसीना बहाते दिखे। अगले 20 दिनों तक जाजमऊ पुल बंद रहेगा। ऐसे में अगर आप कानपुर या कानपुर के आगे की जाने की सोच रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि बांगरवो होते हुए एक्सप्रेस वे पकड़ लें। जाम से बचना चाहते हैं तो यही इस समय सबसे बेहतर रास्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव, यू न्यूज़।